फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको न्यूज़पेपर क्राफ्ट बनाना बताऊंगी, जिसमें मैं टेबल और चेयर बनाएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है अच्छे से। उसके बाद हमें पेपर कटर की हेल्प से इसे कट कर लेना है। आप चाहें तो सीजर से भी इसे कट कर सकते हैं, और हमने पेपर कटर से अच्छे से इसे कट कर लेना है। जब हम कट कर लेंगे, उसके बाद हमें न्यूज़पेपर को रोल करना है। रोल करने के लिए हमने बिनाई में जो यूज़ होती है सिलाई, हमने वो ली हुई है, सीख कहते हैं जिसे, उससे हम हल्का हल्का रोल करेंगे। और हमें स्टार्टिंग में ही यूज़ करना है उसे, उसके बाद हम उसे निकाल देंगे। और इस तरह हमें न्यूज़पेपर का रोल बना लेना है। पतले से पतला बनाने की कोशिश करें, अच्छा लगेगा जितना पतला होगा। और उसके बाद हम इसे फेविकॉल से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, हमारा रोल रेडी है। ऐसे ही हम खूब सारे रोल बना देंगे। आपको जितने चाहिए आप उतने बनाइए। इसके बाद हम एक के ऊपर एक इस तरीके से न्यूज़पेपर के जो हमने रोल बनाए हुए हैं, इन्हें पेस्ट करेंगे। अब आप ये अपने अकॉर्डिंग करेंगे। आपको जितनी चौड़ाई, जितनी मोटाई अपने चेयर टेबल की चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग ऐसे ही छोटे छोटे पेयर बना लेंगे। जैसे अभी हमने कुछ में 5 किया है, किसी में 8 करा है, किसी में 2 करें, तो ऐसे ही आप भी कर लेंगे। उसके बाद हम जो इसके आइट साइड पे कोई ज़्यादा कम हो रहा है उसे कट करके, अब हम इसमें अपने चेयर की नाप लगाएंगे। ये देखिए, हमने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का नाप लगाया, उसके बाद हम 4 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे और इसे हम कट करेंगे। अब आप इसे भी अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। अगर आपको और बड़ी चेयर चाहिए तो आप इसमें और बड़ा कट लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। ऐसे ही आपको जितनी चेयर्स बनानी है आप उतने इसी तरीके से कट कर लेंगे, इसी नाप के। हमने ये कट कर लिए हैं। उसके बाद हम इसे पेस्ट करेंगे। अब जब हम पेस्ट करेंगे, जो हमारी छोटी वाली साइड है 3 सेंटीमीटर वाली, उसे हम बेस में रखेंगे, और जो 4 सेंटीमीटर वाली साइज़ है उसे हम ऊपर रखेंगे। इस तरीके से हमने ये सब पेस्ट कर लिए हैं। अब देखिए, हमने जो 2 रोल करे हुए हैं पेपर रोल, उनमें हम 6-6 सेंटीमीटर के निशान लगाएंगे, और जो हमारा चेयर है उसके हम स्टैंड बनाने के लिए, नीचे पैर बनाने के लिए इनका इस तरीके से यूज़ करेंगे। और हमने कैसे फोल्ड करना है, बहुत आसान है। आपने इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। ऐसे ही हम सबको फोल्ड कर लेंगे ऐसे। अब देखिए, हमें कैसे पेस्ट करना है। आपको जो हमने बताया था, जो 3 सेंटीमीटर वाली साइज़ है उसे हमें बेस बनाना है, तो हम उसके लास्ट कॉर्नर पर फेविकॉल या हॉट ग्लू गन जो आपके पास हो, आप उससे इसमें पेस्ट कर सकते हैं। हम इस तरीके से इसे पेस्ट करेंगे। ये देखिए, और ये आसानी से खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही हमने हर किसी को पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए कि हमें थोड़ा बेस जो है उसका हमें चौड़ा चाहिएगा, तो हमने क्या किया है, एक सर्कल या ओवल जो आपको अच्छा लगे आप वो ड्रॉ कीजिए। हमने ड्रॉ किया, उसके बाद कट किया। अब देखिए, उसके लिए भी हमने सेम वैसा ही बेस बनाया है जैसा हमने चेयर के लिए बनाया था, और सेम वैसी ही प्रोसेस करनी है आपको। और इस तरीके से हम इसे इसमें पेस्ट कर देंगे, और जब तक ये सूखता है हम इसे रख देंगे, सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और देखिए, ये रेडी होके कैसा लगेगा। ये देखिए, अब हमारा टेबल और चेयर रेडी है, और ये कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।